जीवन और मृत्यु तो केवल एक चक्र है। जिस इंसान का जन्म हुआ है उसकी मौत एक दिन होनी है। हम मरने की तारीख तो कभी पता नहीं लगा सकते, लेकिन मरने के ठीक पहले क्या होता है इसका पता हम लगा सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये बात का पता चलने वाला है कि मरने के ठीक पहले क्या होता है, मरने के कुछ महीने पहले क्या होता है। जब किसी इंसान की मौत करीब आती है तब उसे कुछ महीने पहले से ही उसकी ज्ञान इंद्रियां जैसे नाक, कान और जीव ये सब के काम करने का सामर्थ्य घटने लगता है। धीरे धीरे ये सब काम करना बंद करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये पत्थर की तरह खड़े होते जा रहे हैं। शरीर क्या इशारा देता है? जब किसी इंसान की मौत का दिन नजदीक आता है तब उसे भूख लगना बंद हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उसका दिन नजदीक आता है तो उसके अंदर की सारी ऑर्गेन्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। चेहरे में क्या राज छिपा है? मौत के कुछ दिनों पहले से ही मरने वाले के चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। उनका चेहरा धीरे धीरे सफेद, पीला या नीला होने लगता है, क्योंकि उनकी हृदय गति पहले कुछ दिनों से धीमी होने लगती है। आँखों का रंग बदलना। जब किसी इंसान की मौत बिल्कुल नजदीक आ जाती है तब उनकी आँखें धीरे धीरे सफेद होने लगती हैं। देखते ही देखते उनकी आँखों का रंग बदल जाता है। दूसरी दुनिया का एहसास होना। ये एक ऐसी घटना है जो बहुत लोगों ने बताई है। मरने के ठीक पहले लोग बताते हैं कि मैं एक अजीब दुनिया में जाने का अनुभव कर रहा हूँ। वे कहते हैं कि मुझे एक प्रकाश दिखाई दे रहा है। ऐसा कहने के बाद उन लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन आखिर वे लोग क्या बताना चाहते थे? वे किसकी बात कर रहे थे? आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ? आखिर मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद क्या होता है, यदि आपको ये जानना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, नहीं तो इसे देखिए। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, उसके लिए थैंक्स।